को संविधान हत्या दिवस अब से मनाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ने जो कुछ भी इंदिरा जी ने की थी, दैट वाज द संविधान का हत्या ही था। 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध अपनी गद्दी बचाने के लिए। 25 जून 1975 को देश कभी नहीं भूल सकता। लोकतंत्र में भरोसा रखने वाला समाज कभी लोकतंत्र पर लगे इस काले धब्बे को भूल नहीं पाएगा। बड़ी लंबी कहानी है, दर्द बहुत पुराना है, घाव गहरे हैं, और इसीलिए जब भी जुल्म की बात होती है तो आजादी के बाद लोग आपातकाल को याद करते हैं। याद करते हैं कैसे लोकतंत्र का गला घोटा गया था, मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई गई थी, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार छीन लिया गया था और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता अभी उभरे भी नहीं थे कि केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को एक और झटका दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि 25 जून को देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये वो तारीख है जब आज से 50 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जाने के ऐलान से बीजेपी में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले की सराहना की। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के इस फैसले से हतोत्साहित है और मोदी सरकार के इस फैसले को तानाशाही बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इस फैसले के जरिए आपातकाल पीड़ितों को सम्मान देने की बात कह रही है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। भाजपा ने लगातार संविधान की हत्या की है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर उनसे एक्सटोर्शन करवाकर। हमारे केस में जिसमें आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, आपको ध्यान होगा, उसी केस में एक भाजपाई के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा, कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये संविधान की हत्या है। भारत की सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया 25 जून को संविधान हत्या के रूप में देश इस दिन को हर साल मनाएगा, मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है वो किस कदर गिर सकती है। आरक्षण और संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस वो दिन भूल जाती है जब सरेआम विपक्षी नेताओं पर जुल्म ढाए गए थे, बेकसूर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद विपक्ष ने जैसे विरोध करना शुरू किया, मोदी के धुरंधरों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने हमला करना शुरू कर दिया। जिस संविधान की दुहाई की बात देते हैं लोग करते हैं, हमें गर्व है भारत के संविधान पर, उसी संविधान को 25 जून को कुचलने का काम किया गया था 1975 में। और किस लिए? क्योंकि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कुर्सी खतरे में थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके रायबरेली के चुनाव को सेट असाइड कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था, भ्रष्टाचार बेरोजगारी इत्यादि के खिलाफ देश में बहुत लोग गुस्से में थे, उन सबों की आवाज़ दबाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। तो आज आने वाली पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए इमरजेंसी के खिलाफ ये बहुत ही स्वागत योग्य है। तो आज के दिन पुनः बहुत ही उचित निर्णय है, आने वाली पीढ़ियों को ये कहना बताना ज़रूरी है कि 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध
अपनी गद्दी बचाने के लिए। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। डेमोक्रेटिक लविंग पीपल लोग जो है उनको मैं यही बताना चाहता हूं कि 75 ने जो कुछ भी इंदिरा जी ने की थी दैट वॉज दी संविधान का हत्या ही था, तो लोग उसको दे कांट फॉरगेट दिस। बीजेपी नेताओं के साथ साथ जेडीयू ने भी इस फैसले का समर्थन किया। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है, और डॉक्टर बाबा साहेब बीआर अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सब का दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है, ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा, जिसमें 25 जून को संविधान के हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। मुझे भी आपातकाल में जेल जाने का मौका मिला था, परिवारजनों को भी तकलीफ हुई, मित्रजनों को भी तकलीफ हुई, और हमारे उस पराक्रम को आज मान्यता मिली है, ये प्रसन्नता है। आपातकाल और संविधान हत्या दिवस को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, वहीं अखिलेश यादव ने अपने बयान से नए विवाद को जन्म दे दिया। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के जवाब में अखिलेश यादव ने 30 जून को बापू हत्या दिवस मनाने की वकालत की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अखिलेश यादव ने लिखा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। साफ है, संविधान बनाम आपातकाल की जंग देश की मौजूदा सियासत में दिलचस्प होती जा रही है। आपातकाल देश के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास पर एक ऐसा धब्बा है जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि अब संविधान बचाओ की इंडी अलायंस की रट का जवाब इंडी आपातकाल संविधान हत्या दिवस करार देकर दे रहा है। संदेश साफ है, देश में आपातकाल लगाने वालों को कम से कम संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।